हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सागर आर चौहान है। एंड कैसे हो आप लोग? आई होप आप मेरे वीडियोस देख रहे हो। बाय द वे, थैंक यू फॉर शोइंग सो मच ऑफ लव, थैंक यू फॉर लाइकिंग इट, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग इट, एंड थैंक यू फॉर कमेंटिंग ऑल्सो। देर आर कपल ऑफ पीपल जिनको मैंने मैसेज भी किया है, एंड आई हैव थैंक देम बिकॉज वो मेरे वीडियो पे काफ़ी क्या कहते हैं, दे कीप यू नो राइटिंग स्टफ। एंड इट्स अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस टू यू नो just to thank people. So today I was interested in something which I always keep thinking about. मैं बहुत ही सोचता हूँ इसके ऊपर। It is related to, अगर आज मैं 20 साल का होता, 20, 21, 22 साल का, तो which were those habits जो मैं अपने अंदर खुद से डालता, what was those things which would I have, these seven habits I would have invested more time on building. तो आई होप ये लिस्ट आपको बहुत अच्छी लगी है। मैंने पेपर पे बनाई है। सो डू, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे सो डू लाइक शेयर एंड कमेंट इन द सेक्शन ऑन हाउ आई कैन इम्प्रूव एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। लेट्स गो। तो द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हेन आई वाज प्रिटी यू नो व्हेन आई वाज माय कॉलेज डेज, I realized one thing, that sitting with people who are little bit ahead of you changes your mindset. मैं अभी भी खुद को जानता हूँ कि जब मैं अपने कॉलेज में था, there was a group of people जो मेरे से बहुत ही बड़े थे, and those were not dancers, those were really good dancers. और उनको देखता था मैं, उनके साथ बैठता था, उनके साथ बातचीत करता था, तब समझ में आया था they were so passionate about dance. और I come from a school जहाँ पे dancing ज़्यादा होती नहीं थी। एक्चुअली बहुत सारे स्कूल में डांसिंग इज नॉट अ स्किल विच इज टॉट लाइक यू नो लाइक स्पोर्ट्स। सो अगर आप यू नो यू सेट विद पीपल हु आर लिटिल बिट अहेड ऑफ यू इन योर लाइफ, यू कम टू नो, यू गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग विच जो नॉर्मल टाइम पे आपको समझ में ना आए, यार यू नो यू कैन नॉट लर्न इट जस्ट लाइक दैट। अभी मैं ये चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज जब वैन यू हैव दैट हैबिट, जब आप एक ग्रुप में बैठ जाते हो, चाहे वो यू नो फूड कोर्ट हो, अगर आप फूड कोर्ट में बैठते हो, अगर आप शांति से अगर आप बैठते हो, तो यू विल नोटिस दैट जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ से एक कोने में देर आर पीपल जो सिर्फ किताबों में है, देर आर सम पीपल हु आर इनटू स्पोर्ट्स, देर आर सम पीपल यू नो हु आर इनटू बुक्स, देर आर सम पीपल हु आर इनटू एक्टिविटीज। सो ऑन दैट फूड कोर्ट विल कम, you will have a plethora of you know not plethora of you know like a nice dish of mix and match of everything, kahin pe kuch chal raha hai, so you have to choose ki aap kaun se you know which group would you like to sit with, and wo group mein if you have somebody you know little bit ahead in your life, maybe 2 saal 3 saal 4 saal, to aap unse bahut kuch seekh sakte ho. So why am I telling this to you when you're in the college? Only for one reason, that आप जब life में, जब college के बाहर आप जाओगे ना, you will start searching for a mentor, जो कि बहुत ही ज़्यादा important है, because आज के ज़माने में mentor is somebody who will you know push you to be somebody, push you to be someone you are you know you have not even expected. So आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत गलतियाँ जो है आप जो उन्होंने की है आप सीख के आप उसको अवॉइड कर सकते हो, या फिर देयर आर सम इंटरेस्टिंग थिंग्स। आई स्टिल रिमेंबर आई वाज प्रीटी यंग, मैंने 2-3 दोस्त बनाए थे जो स्टॉक मार्केट पे थे, तो उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया था कि आप यू नो यू कैन टेक दिस एंड पुट इट इनटू दिस 4, 5, 6, 7 ईयर्स, एंड जो कि मैंने किया, मैंने मतलब वो टाइम में आई टोल्ड माई फादर, उन्होंने इन्वेस्ट किया एंड उस वी हैव गॉट अ गुड रिटर्न ऑन टू दैट ऑल्सो। तो ट्राई मेकिंग फ्रेंड, ट्राई सिटिंग विद पीपल हु आर यू नो लिटिल बिट अहेड देन यू इन योर लाइफ, स्टार्ट कल्टिवेटिंग दैट हैबिट व्हेन यू इन द एज ऑफ 20, एट द एज ऑफ 20, सॉरी। आज दूसरा पॉइंट है, वी आर लिविंग इन अ टाइम वेयर स्टार्टअप कल्चर इज थ्राइविंग राइट नाउ, और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आई वुड प्लीज रिक्वेस्ट यू, स्टार्ट, गो ऑन गूगल, go on you know places, go on Facebook pages, go on Instagram pages, and try to search ki startup meetups kahan pe ho rahe. There are a lot of meetups, chahe you know there are meetups which I see in a group jahan pe you know there are these small photography startups where they you know they're calling for nice 60-70 people are meeting at Azad Maidan, they're trying to shoot
cricketer people are playing cricket in action. That is pretty interesting for you as a person, that कोई भी स्टार्टअप नेटवर्किंग पे अगर आप हिस्सा होते हो, दैट आपके पास एक नेटवर्किंग का एक ग्रुप बन जाता है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो जिस नेटवर्किंग ग्रुप में आप घुस रहे हो, स्टार्टअप के नेटवर्किंग ग्रुप में, दोज पीपल आउट ऑफ 10 पीपल, आई विश लक टू ऑल ऑफ देम, ऑल द 10 पीपल या 2 पीपल या 4 पीपल आर रियली सक्सेसफुल. एंड इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू हैव अ कॉन्टैक्ट ऑफ सक्सेसफुल पीपल हु आर रियली गुड. एट द सेम टाइम दे आर रियली जेन्युइन. आई टेल यू व्हाई, बिकॉज जिंदगी में कोई भी ना, नो बडी हैज बिकम रिच जस्ट लाइक दैट. कोई भी अमीर ऐसे नहीं होता है भाई. उसको कोई सहारा देता है, कोई मदद करता है, कोई अपॉर्चुनिटी देता है, तभी वो उस पर कामयाब होकर पैसे कमा सकता है. वो कैन बिकम रिच. ऑल दिस गुड कॉन्टैक्ट्स ना जो आपको स्टार्टअप वर्ल्ड में मिलते हैं ना, दैट विल डेवलप. एंड इफ यू हैव मेड रियली गुड कनेक्शन, अगर एक स्टार्टअप ग्रो होता है ना, सी एवरी सिंगल ऑन्टरप्रनर हु हैज़ गॉन थ्रू अ फेज जहाँ पे उसको ही हैज़ ग्रिल्ड हिमसेल्फ, तो वो जानता है उसका क्या बोलते हैं, वो हाउ हार्ड इट इज़, हाउ हार्ड इट इज़. सो ही विल डेफिनेटली, उनके अंदर एक समझ होती है टू हेल्प पीपल. सो दैट इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, बिकॉज इट विल बी अ बूस्ट फॉर योर करियर ऑल्सो. सो ट्राई कीपिंग दैट इन योर माइंड. उसके बाद है, ये अगेन नेटवर्किंग पे आ जाता है, ट्राई बींग अ पार्ट ऑफ अ क्रिकेट क्लब और ट्राई बींग अ पार्ट ऑफ अ फुटबॉल क्लब. नाउ फुटबॉल जैसे वेर आई स्टे, वहाँ पे एक टर्फ है जहाँ पे ना ये 25-30 पीपल हमेशा मिलते हैं एंड दे प्ले फुटबॉल फॉर 1-1.5-2 आवर्स. एंड आई हैव रियलाइज वन थिंग, वहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े ए लिस्ट न्यू 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 जैसे ए लिस्ट एक्टर्स होते हैं, दे कम एंड दे कीप प्लेइंग. तो वहाँ पर ना नेटवर्किंग काफ़ी अच्छी होती है. सो ट्राई गेटिंग इन टू अ स्मॉल क्रिकेट क्लब और अ स्पोर्ट्स क्लब और फुटबॉल क्लब इफ पॉसिबल, ओनली फॉर वन रीजन. इट इज़ अ रियल, वेन यू आर प्लेइंग स्पोर्ट्स विद समबडी, वेन यू आर प्लेइंग अ कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स ना, इट बिल्ड अ रियली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. एंड एवरी फॉर एग्जाम्पल एवरी थर्सडे और फ्राइडे अगर आप मिलने वाले हो ना, इवन दैट पर्सन, इवन योर एंड यू आर गोना थिंक अबाउट द पीपल यू गोना मीट, यू गोना बी इन हिज और हर ओन मेमोरी कि आज खेलना है. सो एक बॉन्डिंग बन जाती है. दैट इज़ अ रियली गुड नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म आई वुड से. एंड आज के टाइम पर नेटवर्किंग इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू ग्रो. मैंने ये बहुत लेट सीखा है. डोंट बी अ फूल लाइक मी प्लीज़. नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ टेक इट वेरी वेरी सीरियसली. उसके बाद है लर्न डांस. अब ये चीज़ आई वुड, आई एम द फ्लैग बेरर. मेरे को ये, मैं जितना बता सकूँ इसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज डांस इज़ समथिंग विच विल लिबरेट यू. अभी कैसा है, वेन यू आर एट द एज ऑफ 18-20, आपके पास टाइम है, आपके पास एनर्जी है, एंड आपकी जो बॉडी है, बिकॉज यू आर टर्निंग इन टू एन अडल्ट, आपके बॉडी में लॉट ऑफ एनर्जी इज़ देयर. वैन यू पुट दैट एनर्जी इन टू रियली प्रोडक्टिव आर्टिस्टिक डांसिंग, आई वुड से, चाहे वो कंटेम्प्रेरी हो, हिप हॉप हो, एनी एक्सप्रेशन ऑफ डांस, आपकी बॉडी इज गेटिंग ट्रेन्ड एंड यूज टू. एंड द मोर यू यूज योर बॉडी, द मोर यू गोना लास्ट लॉन्ग. वो कहते हैं ना, इफ यू डोंट यूज इट, यू गोना लूज इट. डांसिंग, इवन स्विमिंग फॉर दैट रीजन, ट्रेन्स एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी. इट बिल्ड्स गुड स्टैमिना एंड इज डैम सेक्सी, आई वुड से. इट इज़ रियली, इट आई एम इन ऑ ऑफ पीपल हु कैन डांस रियली वेल. बिकॉज आप अपने खुद के बॉडी को कैसे मोड़ सकते हो जस्ट ऑन बीच इज प्रिटी इंटरेस्टिंग. द नेक्स्ट पॉइंट इज आई थिंक पॉइंट नंबर 5, लर्न मार्शल आर्ट्स, एनी फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स और कराटे और जिजित्सु या इवन MMA. आई टेल यू व्हाई, बिकॉज इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल, इट बिल्ड्स अ रियली गुड अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन, बिकॉज वी रिक्वायर डिसिप्लिन राइट नाउ इन आर लाइफ. वी आर डिस्ट्रैक्टेड बाई सोशल मीडिया, वी आर डिस्ट्रैक्टेड बाई मोबाइल, वी आर डिस्ट्रैक्टेड बाई फ्रीक्वेंट नोटिफिकेशंस. वी रिक्वायर डिसिप्लिन इन आर लाइफ. सो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज लाइक मार्शल आर्ट्स, MMA, जिजित्सु, कराटे विल ब्रिंग अ सर्टन अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एट द सेम टाइम यू नीड टू नो गाइज, यू नीड टू नो हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. आई होप मेरे व्यूवर्स में से ऐसा एक भी इंसान ना हो
जिनको हु हैज़ टू गो थ्रू अ पॉइंट इन हिज लाइफ वेर ही और शी हैज़ टू डिफेंड हिमसेल्फ। ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को वक्त भी आए, बट इट इज़ ऑलवेज, वो कहते हैं ना, इट इज़ गुड टू बी अ वॉरियर इन द गार्डन देन बी अ गार्डनर इन द वॉर। ऐसा ही कुछ है, आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो। सो यू शुड नो हाउ टू डिफेंड योर सेल्फ एंड यू शुड नो हाउ टू डिफेंड द पीपल अराउंड यू। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।